गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रतन ब्लॉग्स। तो जैसा कि लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था, ये ब्रोट में गया था तब ये क्रैश हो गया था और इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये देखो, मतलब कि इसका गिम्बल जो है वो अलग हो गया, ठीक है, गिम्बल अलग हो गया, इसकी ये वाली बॉडी भी टूट गई है पूरी, ठीक है, अंदर जो इसके थ्री एक्सिस जो इसके गिम्बल होता है वो भी टूट गया है, ठीक है, और इसका एक फ़ैन यहाँ से गया, एक फ़ैन यहाँ से टूट गया, और यह दोनों और एक यहाँ से, ये भी पूरा टूट ही गया। देखते हैं पहले इसको ठीक कैसे करना है, पहले तो इसको खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ऊपर वाली हड्डी थोड़ी सी टूटी हुई है बट ये रिकवर हो सकती है, इस पर भी टेपिंग हो जाएगी, एक बार खोल के दोबारा रिपेयर करके टेपिंग कर देंगे। और नीचे वाली हड्डी कुछ ज़्यादा टूटी हुई है, मतलब गिम्बल ठीक है, मैंने चला के देखा था, गिम्बल वर्क कर रहा है। ये वाली हड्डी यहाँ से टूट गई है, ये वाला नट भी टूट गया और ये तो निकल ही गया है यहाँ से, यहाँ पे था एक वो निकल गया, वो आई थिंक इसके साथ है ना, ये देखो, ये भी इसके साथ रिपेयर करके खोल के इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो रिपेयर का काम थोड़ा ज़्यादा है बट कोई इशू नहीं, करना तो पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगा कि कोई भी चीज़ दोबारा मेरे को ना लानी पड़े, नई ना ख़रीदनी पड़े, इसी को मैं रिपेयर कर दूँ, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है बट कोई इशू नहीं है, पहले भी हमने कराई है। तो इसको पहले खोलते हैं, इसकी केबल को खोल लेते हैं ताकि ये ना टूट जाए, क्योंकि ये निकली है कहीं से, ये भी निकली है, यहाँ से निकली होगी, हाँ ये भी क्लिप निकल गया, यहाँ से निकली है, ये देखो, ये वाली यहाँ पे लगी हुई थी बट शॉक की वजह से निकल गई है, इसको भी यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। तो पहले इसको खोलते हैं ताकि चीज़ें आराम से हो और केबल ना कोई टूटे। और एक और बात, हमें इसके ना स्क्रू जो है ना, ये देखो कितना छोटा स्क्रू है, इसको संभाल के रखना है इन सबको ताकि ये गुम ना हो। टोटल बात ये है कि हमारी ये चीज़ें टूटी हुई हैं, ये गिम्बल के साथ से टूटा हुआ, मैं आपको दिखाई देता हूँ ये कहाँ से टूटा हुआ, मेरे को गिम्बल भी बचाना है ना, कहीं दोबारा ना चलाना पड़े। ये है, ये टूटा हुआ है यहाँ से, ये मैंने पहले भी ठीक करा था, मेरे को कोई इतना इशू ना होने वाला है इसको ठीक करने में, ठीक है। तो ये है, ये अटक रहा है कहीं पे, पता नहीं कहाँ अटक रहा है, अच्छा वो केबल खींची हुई थी इसलिए अटक रहा था, ये लगेगा यहाँ पे। तो अभी हमें इसके लिए सामान लेके आना है जो जो टूटा हुआ, एक दो तीन पर, तीन दो छः, ये दोनों ठीक हैं, मैं छः प्रोपेलर टूटे हुए हैं, ये भी हमें निकालने हैं क्योंकि हमारे पास किट पड़ी हुई है। सबसे पहले ना हम प्रोपेलर इसके करेंगे, हमारे पास वैसे प्रोपेलर का सेट पड़ा हुआ था, एक हमारे पास सेट पड़ा हुआ था प्रोपेलर का, ये सारा जो जो ख़राब थे हमने वो रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है, ये रख दिया इनकी जगह पर, हमारे पास ये हैं, अब इनको सबसे पहले रिप्लेस करते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे, पहले प्रोपेलर ही रिप्लेस कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे जो सारे प्रोपेलर्स थे वो तो लग गए हैं, कुछ इसमें से पुराने थे बट मैंने अभी फॉर द टाइमिंग लगा लिए हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये है तो सारे एक ही के हैं। अब टाइम है इसको जोड़ने का, इसकी ये आर्म्स है गिम्बल की, इसको जोड़ने का, और इसका जो हेड है जिसका मूविंग हेड है उसको जोड़ने का टाइम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी सबसे पहले फेविटाइट की, ये फेविटाइट आती है, ये वैसे पाइप वाले काम में यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे पाइपें लगती हैं, इन दोनों को मिला के फिर इसको जोड़ा जाता है, ये काफ़ी हार्ड होती है, वह जुड़ने के बाद ये पूरा मतलब बिल्कुल हार्ड हो जाती है, इससे ठीक हो जाता है। और सेकंड हम यूज़ करेंगे फेविक्विक दवा, इसका क्या करेंगे, इसको स्टार्टर पे यूज़ करेंगे जैसे उसको लगाने के लिए इसकी पोजिशन पर, उसके बाद जो फाइनल जो टच होगा, जो फाइनल चीज़ बनेगी, फाइनल जो उसको हार्ड होगा फाइनल, वो इसी के साथ होगा, ठीक है। सो अभी अब तक हमने इसको बस प्रॉपरली गिम्बल को जोड़ तो लिया है बट ये गिम्बल अभी प्रॉपरली जुड़ा नहीं है, ठीक है, ये अभी हमने टेम्परेरी इसके साथ फेविक्विक लगाई है, ये चेक करने के लिए कि कुछ टूटा तो नहीं है, कुछ लूज़ तो नहीं है, या कुछ बंद तो नहीं हो रहा, कहीं पे अटक तो नहीं रहा। ये देखो इस एक्सेस पर भी ये पूरा चल रहा है और इस एक्सेस पर भी ये पूरा चलेगा, ये देखो हर एक एक्सेस पर पूरा चलेगा, ये हमने देखनी है, वायर नहीं लूज़ होना चाहिए और किसी आर्म के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स ये अच्छे से चल गया है, ठीक हो गया,
ठीक, अब इनको जोड़ों को आगे पक्का करने की बारी, मतलब इनको हार्ड करने की बारी आ गई है, ठीक है। वो हमने करनी है फेवी टाइट के साथ। उसमें क्या है, हमने ये दो सॉल्यूशन मिक्स करने हैं। ट्राई टू डू कि इसको किसी प्लास्टिक बॉक्स पे करें। ये हमारे पास फिल्टर पड़ा है, फिल्टर का कवर है इसमें, वैसे फिल्टर भी है कैमरे का, बट इतना यूज़ में नहीं है, इसके ऊपर कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़, इसको हाथ नहीं लगाना और हाथ से इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, ठीक है। जितनी इसकी क्वांटिटी मिक्स करेंगे उतनी ही उसकी करेंगे। कम लोगे तो ये है कि मिक्स हो जाएगी अच्छे से। अब ये माचिस की तीली है हमारे पास, इसको अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे इस दोनों को, और ये तब तक मिक्स करना है जब तक ये हार्ड ना हो जाए, थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही लगा दोगे तो ये हार्ड होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। ये ऐसी चीज़ होती है जो कम ज़्यादा से ज़्यादा में ना 5 मिनट में ये बिल्कुल पत्थर हो जाएगी, तो इसको लगाना भी उसी टाइम पे है कि ये लग जाए और नुकसान ना करे किसी चीज़ को, ठीक है। इसको अब अच्छे से लगाना है हर एक जगह पे, जहाँ जहाँ पे हमने जोड़ लगाए हैं, और ये भी ध्यान रखना है ये कहीं और ना निकल जाए, समझ रहे हो ना, किसी और पैच में ना लग जाए या किसी और जोड़ में ना लग जाए, ख़राब ना हो जाए, जिससे सारा कुछ अच्छे से इसको हर जगह पे लगाना है। इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, बट यह है कि इससे प्लास्टिक से ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इसको लगाने के बाद आप ड्रायर भी मार सकते हो जिससे ये हार्ड हो जाएगा। इसको ड्रायर के साथ करोगे तो जल्दी सेट हो जाएगा ये। बस ये ट्राई करनी है कि ये किसी और के साथ ना लग जाए, क्योंकि ये अभी है, अभी यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि नहीं अच्छे से, क्योंकि इसको पहले सुखाएंगे ताकि ये ना हो कि ये किसी जोड़ में घुस जाए या किसी एक्सिस में लग जाए। अब ये तो इसके साथ ऐसे चल रहा है ना, कहीं पे अटक नहीं रहा। इट मीन्स गिम्पल हमारा मोस्टली ठीक हो गया है, इसकी डेंटिंग वेंडिंग बिल्कुल सही हो गई है। ये देखो अभी कितना टाइम हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और ये देखो ये इस पर बिल्कुल हार्ड हो गई है, ऐसे चिपक जाती है। इस पर मैंने ड्रायर भी मारा है ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ये देखो मतलब इसके ऊपर हार्ड हो गई है, बट स्टिल इसको टाइम चाहिए। हम इसको मतलब कर देंगे, ठीक है, बट रात तक छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बाकी सामान भी जोड़ना है, इसलिए हम इस पर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं। इतना भी यूज़ नहीं करना है कि कोई चीज़ ही पिघल जाए, ठीक है। तो हम ये हो गया सेट, अब देखो इसकी आर्म तो जुड़ गई है, अब ये देखो ये सारी साइड चल रहा है, ठीक है, ये भी ऐसे चल रहा है, कहीं पे भी अटक नहीं रहा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये अटके ना, ये चले बिल्कुल लाइटली चले ये, क्योंकि अगर ये अटकेगा तो ये एरर दे देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें इसको लगाना, और अभी क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको जोड़ेंगे, ठीक, ये वाला पार्ट। अब वो फिर से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बिल्कुल पत्थर हो चुका है। फाइनली हमारा जो गिम्बल है वो जुड़ भी गया है, जो उसका टूटा हुआ था सामान वो भी अच्छे से जुड़ गया, और ये अपनी जगह पे फिट भी हो गया। अब ये देखो ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, अपने सस्पेंशन पे वर्क कर रहा है, और ये भी देखो यहाँ पे भी पूरा अच्छे से चल रहा है, ठीक है। ये देखो ये कहीं पे भी किसी आर्म के साथ नहीं लग रहा। अब हमें फाइनली इसकी जो ऊपर वाली पिन है वो भी लगा देनी है और इसको सेट कर देना है। सो फाइनली अगर आपने देखोगे तो मैंने इसकी वायर को यहाँ से कर दिया, देखो अभी ये बिल्कुल भी उसके साथ किसी के साथ अटक नहीं रहा, ठीक है। और ये मैंने जो इसकी ये वाली वायर है ना, इसको इस क्लिप के नीचे कर दिया, जिससे उसके ऊपर भी दबाव बना रहे जो नीचे इसका पिन है, और ये वायर भी यहाँ पर दबी रहे ताकि ये खींचे ना, ताकि ये इजिली काम कर सके। अब हमारा ड्रोन तो बिल्कुल हो गया सही,
जो मैं सही आपको बात बताऊं कि चलने लायक हो गया। अब हम इसको चला के एक बार ट्राई करके देखेंगे, इसमें कुछ एरर तो नहीं आ रहा। ड्रोन तो बिल्कुल सही हो गया, मतलब कि अब हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ, क्योंकि थिंग इज़ इसके हमने बैटरी भी चेक करी है, बैटरी काफ़ी देर से पड़ी सी डेड हो गई थी, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको भी पहले सारे ठीक रहते हैं, बॉडी भी ठीक कर लेते हैं, उसके बाद एक ही बार में इसको कल चलाएंगे मॉर्निंग। सो अब आ गया बॉटम वाले, ऊपर तो सारा कुछ सही हो गया, जितना हो सकता था वो सारा सही हो गया। अब नीचे वाली साइड की बारी, तो नीचे वाली साइड ये टूटी हुई है, ये कहीं गिर पार्ट भी कहीं ये पार्ट भी कहीं गिर गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक लगा दूँ, ये एक पार्ट टूटा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे लगा के उसके बाद इसके ऊपर रैप कर देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ ऐसे लगा देते हैं या इसको ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके, ऐसे तो चलो नहीं लगेगा बट ऐसे आराम से लग जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे जो जुड़ने वाला होगा उसको जोड़ देंगे। सो फाइनली ये अगला दिन है, कल रात को मैंने ये सारा जोड़ लिया था, ये सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेट सारी जो टूटी हुई थी वो हमने सेट कर लिया। ठीक है, ये देखो ये पूरा सेट कर लिया हुआ, अब इसको फाइनली जोड़ के देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं फ़ोन के साथ, आरसी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या इसका और कोई एरर है या चल पड़ता है। तो इसमें हमने बैटरी डाल दिया, यहाँ से जो बैटरी जाती है, ठीक है, ये तो डाल दिया। अब इसका कवर नहीं लगाएंगे, कवर लगाने से क्या होगा कि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से खोलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टूटा हुआ था तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ इशू आएगा। तो अभी इसका आरसी ऑन करते हैं, और इस ड्रोन को भी ऑन कर देते हैं। ठीक, ये मतलब गिम्बल अभी तो वर्क कर रहा है। हम इसकी ऑफिशियल ऐप यूज़ करेंगे, ऑफिशियल ऐप से क्या है कि आपको एरर दिख जाएंगे, दूसरी ऐप यूज़ करोगे तो उसको आपको प्रॉपरली एरर नहीं दिखेंगे। सो फाइनली हाँ, ड्रोन ऑन हो गया है। ठीक है, और ये है इसके स्क्रीन पे एरर शो कर रहा है, इनकम्पैटिबल गिम्बल एरर। हम और भी देखेंगे, इसके अलावा भी कोई है तो वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारे एरर हैं, ये सारे एरर हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक का ये था कि हमने आरसी कनेक्ट कर लिया, ये सारा रिपेयर कर लिया जितना टूटा हुआ था। ठीक, अब हैं ये वाले एरर, ये देखो मैंने फिज़िकली तो सारा ड्रोन ठीक कर लिया, ये अच्छे से काम कर रहा है, ये देखो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, बट सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है जो कोड एरर शो कर रहा है। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करेंगे हम अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ रिपेयर का। ठीक है, तो इसकी सारी चीज़ रिपेयर हो चुकी है, जैसे कि आपने पहले देखा था टूटा हुआ था सारा, तो ये सारा कुछ रिपेयर हो गया है, फ़ैन से लेके प्रोपेलर से लेके अंदर सारी केबल्स तक। ठीक है, सारा कुछ रिपेयर हो चुका है। ठीक, तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगा ये सारी एरर कैसे रिमूव करनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।